अरे सुसरी वाले राहुलवा, क्या हुआ तुमको? तुम ऐसे क्यों लेटे हो यार? हॉस्पिटल में क्या हुआ? किसी ने तुमको मारा है क्या? हमको बताओ किसने मारा है, उसकी तो हम हड्डी पसली तोड़ देंगे। बताओ राहुल भैया, किसने मारा है? तुम हमको बताओ बस जल्दी से। अबे नहीं भैया नहीं, विराट कोहली ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता ना तो फिर ये देख रहे हो मेरे ससुर जी को देख रहे हो, ये खुद में एक बहुत बड़े गुंडा है भैया, ये बहुत बड़े गुंडा है। इनसे बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। ऐसा कुछ नहीं है, वो तो मैं पहले टेस्ट मैच में मेरे चोट लग गई थी, इसीलिए एक मैच के लिए मैं रेस्ट ले रहा हूँ, तीसरे टेस्ट में मैं फिर से आ जाऊंगा। अबे सुसरी वाले राहुल जल्दी उठो यार, हमको तुम्हारे बिना मैच नहीं खेलना है। बताओ ना तो रोहित है ना तो विराट है, और वो साला श्रेयस गिल से तो कोई उम्मीद ही नहीं है। तुम उठ के चलो यार भैया, तुम खेलो चल के। बताओ एक कप्तान करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ? सब लोग तो ऐसे ही धीरे धीरे भैया चोटिल होते जा रहे हैं। उधर रविन जडेजा चोटिल है, इधर केएल राहुल चोटिल है, और ये ससुरे वाले पांडुरंगा की तो बात ही मत करो, ये तो साला महीनों तक चोटिल रहता है। अबे भैया रोहित शर्मा, मैं चोटिल नहीं हूँ, मैं एकदम फिट हूँ भैया, जिम होकर आया हूँ, मैं एकदम 200% फिट हूँ। यार तुम लोग हमको खिला ही नहीं रहे हो, मैं तो बोल रहा हूँ दूसरे टेस्ट में ही हमको मौका दे दो यार, हमको खिला लो भैया, हमको कोई खिला ही नहीं रहा है। पता नहीं कौन सी दुश्मनी निकाली जा रही है, हमको तो समझ नहीं आ रहा, हमको कोई खिला ही नहीं रहा। अबे भैया हार्दिक पांड्या, तुमको खिलाएंगे यार, खिलाएंगे जरूर खिलाएंगे तुमको, आईपीएल में सीधे खिलाएंगे। यहाँ पे खेल के क्या करोगे यार, तुमको भारी रकम मिली है, कम से कम 115 करोड़ रुपए, तो आराम से ऐश करो यार, क्या ही करोगे खेल के, मजे करो यार भैया। आईपीएल में आना और वहीं पे कप्तानी करना, वहीं पे खेलना, पैसों की तो कमी नहीं है तुम्हारे पास में, आराम से मजे करो। अबे जाओ बे जाओ, रोहित शर्मा टेस्ट मैच खेलो, दूसरा टेस्ट मैच खेलो और इंग्लैंड को पेलो यार, एकदम से पेल देना भैया। पिछले मैच का बदला लेना, फिर तो तुम टेंशन मत लो, कोहली आ ही जाएगा। और आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करो दबा के।